हाँ सपनों में जो आते हैं वो सच्चा होते हैं है? सपनों में जो आते हैं हाँ। वो सच्चा होते हैं बाबा। बता दिया ना, आदमी अच्छे कर्म भी करता है और बुरे कर्म भी करता है। दुकान में बैठा हुआ आदमी कपड़ा फाड़ता है सारे दिन, वो तो अपना धंधा कर रहा है, सारा दिन कपड़ा फाड़ता है, रात में अपनी धोती फाड़ देता है, तो कैसा स्वप्न हुआ? अच्छा स्वप्न हुआ। अच्छा स्वप्न हुआ, धोती फाड़ दी। नहीं बाबा, अभी बाबा आते ना। ये बताओ, ये बताओ, उस कपड़े बेचने वाली दुकानदार ने रात में अपनी धोती फाड़ दी सपने में, वो अच्छा कर्म हुआ या खराब कर्म हुआ? वो तो बुरा कर्म हुआ। अब इसमें बुराई क्या है? वो अपना धंधा करता है तो धंधा न करे, बाल बच्चों को न पाले, पाले या न पाले है, फिर उसे बुरा स्वप्न क्यों आया? बुरा सपना नहीं बाबा, अच्छा सपना। वो अच्छा सपना है? नहीं, नहीं बाबा, हमारी आत्मा के लिए अच्छा सपना आते बाबा। वो हो, हम ये आपके प्रश्न को समाधान करने के लिए इस मिसाल दिया कि वो अपनी धोती फाड़ देता है, उसकी धोती बिचारी की फट गई सपने में, वो अच्छा स्वप्न आया या बुरा स्वप्न आया है? बुरा आया, बुरा स्वप्न आया, बुरा काम हुआ, उसका नुकसान हो गया है ना, और वो भोगी साबित हुआ या योगी साबित हुआ? भोगी साबित हुआ। जो भोगी होते हैं वो बुरे कर्म करते हैं, और जो योगी होते हैं, योग है कर्म सुकौशलम, योग वो है जो कुशल कर्म करना सिखाता है, झूठ उसमें उसमें गलती हो ही नहीं सकती। कोई ऐसे हैं कहते हैं हम दूध उबालने खड़े हुए अंगीठी पर और बाबा की याद में इतने हम मस्त हो गए कि दूध फैल गया, दूध उफन गया, तो अब ये वो याद में था या कहीं बुद्धि और भाग गई थी? हाँ, वो योगी नहीं था, भटकी हुई बुद्धि थी। ऐसे ही है, अच्छे कर्म करने से अच्छे स्वप्न आएंगे और बुरा कर्म करने से बुरा स्वप्न। आप कहेंगे वो उसने क्या बुरा कर्म किया, वो तो अपने कपड़े बेचता है दिन में। बुरा कर्म ये किया कि रात में सोने से पहले उसने भगवान को याद नहीं किया, बस 24 घंटे उसको अपना धंधा दोरी ही लगा रहता है। और गीता में क्या कहा है? गीता में कहा है कि यज्ञ के अलावा, ईश्वरीय सेवा के अलावा, जन कल्याण के अलावा, सारे विश्व के कल्याण के कर्म के अलावा, दुनिया में जितने भी कर्म हैं, वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले। तो वो इतना धंधे में लिप्त हो गया, कपड़े फाड़ने के धंधे में, कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि हमें भगवान का भी याद करना चाहिए। हाँ हाँ जी, याद सेवा इक्वल अब। हाँ, याद और सेवा का बैलेंस रहे, ऐसे नहीं हम सेवा में इतने मस्त हो जाएं कि आत्मिक स्थिति की याद ही न रहे, देवभान में आकर के कर्म करने लगे। मान लो हम सेवा कर रहे हैं, किसी को ज्ञान सुना रहे हैं और आत्मिक स्थिति हमारी खत्म हो गई, देवभान आ गया, हम उसको डांटने लगे, ये तू कैसे बोलता है, और उल्टे पलटा झगड़ा करने लगे, तो ये देवभान आया, आत्मिक स्थिति रही, देवभान आ गया। तो बैलेंस रखें, ऐसे ना हो कि बैलेंस बिगड़ जाए तो सेवा की जगह डिसर्विस हो जाएगी।